नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और ठीक हो। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा 4 डिफरेंट कैनवासेस और मैंने कैसे पेंट किया है। सारा स्टेप्स यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, सो प्लीज़ वॉच केयरफुली। और उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, यहाँ पे है मेरी फोम और ब्रशेस और मेरे साथ है मेरी एक्रेलिक कलर्स। अभी मैं फोम को पानी में भिगो रही हूँ सो दैट मैं पूरे कैनवस को पानी से वेट कर सकूँ। और पूरे कैनवस को पानी से वेट करने के बाद ही हमारा अच्छा लुक आएगा कैनवस का, और साइड्स में भी कैनवस का आप अच्छे से कर देना। नाउ फोम के साथ मैंने इस कैनवस में पेंट किया है। फोम को डैप करके ब्लैक कलर में मैंने इस कैनवस का बेस बनाया है। यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, एक कैनवस है जिसका ऑलरेडी बेस अच्छे से बना हुआ है विथ 3 डिफरेंट कलर्स, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक। तो ऐसे ही हम और भी कैनवसेस को बनाएंगे। अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं कलर हमारे सेकेंड कैनवस के लिए, और यहाँ पर है हमारा ब्लू एंड वाइट। तो ये दोनों कलर्स को हम मिक्स कर रहे हैं सो दैट हम सेकंड कैनवस की तरफ मूव कर सके। और यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल शेड आ गया, तो मैं इसको डैप करके, फोम को डैप करके ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ और इस कैनवस को पेंट कर रही हूँ। आप देखते जाइए कैसे मैं सारे स्टेप्स को कर रही हूँ, और अच्छे से फॉलो करना और प्लीज़ बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करना। और ये मैं थर्ड कैनवस की तरफ मूव कर रही हूँ जिसमें मैं दो कलर्स मिक्स कर रही हूँ, ऑरेंज एंड रेड। और मैं ये भी बता दूँ, हमारे सारे कैनवस जो भी है 4 डिफरेंट सीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 4 डिफरेंट सीजन्स बनेगा एक ही ट्री को रिप्रेजेंट करके, बट बेसिस विल बी डिफरेंट। अभी हो गया हमारा मिक्सचर रेडी और हम इससे पूरे कैनवस में पेंट कर रहे हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आप ध्यान रखना कि पूरा ब्लैक को आपको ढकना नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे ही डैप करना है जो हमारा फोम के पीस है उसको, और पूरे कैनवस में ऐसे पेंट करना है। ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है सीज़न स्प्रिंग को, जहाँ पर हमारा होगा बहुत सारा फ्लावर्स, जो कि मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट स्टेप में हमारा। फिर मैं नेक्स्ट कैनवस की तरफ मूव कर रही हूँ जिसमें थोड़ा थोड़ा ब्लैक लग गया है, बिकॉज मैंने साइड्स पेंट किया है ब्लैक से, तो मैं उसमें वाइटनिंग कर रही हूँ ताकि पूरा कैनवस में एक वाइट बेस आ जाए और हम लोगों का पेंट अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ येलो, और एक शेड यूज़ करूँगी वो होगा ऑरेंज। और ये वाला रिप्रेजेंट करेगा सीज़न ऑटम को। तो हमने यहाँ पे ले लिया ऑरेंज और येलो और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और एक पिचिश कलर आ गया और उससे मैंने स्प्रेड कर दिया पूरे कैनवस में हमारा फोम से। तो ऐसे आएगा उसका लुक, क्योंकि बीच में मुझे गैप रखना है, वहाँ पे आएगा एक सन, तो वो गैप मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे हो गया सारा कैनवस का बेस। अब ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, जहाँ पे हमारा ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा ट्री और ट्री का ब्रांच। ट्री का ट्रंक बिल्कुल बीच में से आएगा, दो कैनवस के बीच में से ट्री का ट्रंक निकलेगा और वो हो जाएगा बाकी कैनवसेस में स्प्रेड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रंक बिल्कुल दो कैनवस के बीच में से निकल रहा है। और हो गया ये हमारा ट्री का ब्रांचेस, और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लैक और येलो शेड दे दिया अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। ये ब्लू वाला है विंटर सीजन, ग्रीन वाला है समर एंड आप बोल सकते हैं मानसून, और येलो वाला है आपका ऑटम, और ये वाला है स्प्रिंग। तो अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ फ्लावर, जिसमें मैंने ले लिया 3 कलर्स और 4 बर्ड्स, और ऐसे ऐसे मैं डैप कर रही हूँ पिंक, रेड और वाइट से। तो इसमें मेरा आ जाएगा स्प्रिंग का फ्लावर्स। और इस वाले मानसून सीजन में मैं ड्रॉ कर रही हूँ ग्रीन लीव्स, जो हमारा पत्ता निकलता है मानसून में, तो ग्रीन कच्चे लीव्स, ग्रीन एंड येलो शेड में यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा पूरे में ऐसे आपका लीव्स। तो यहाँ पे मैंने दे दिया थोड़ा थोड़ा फ्लावर्स भी। और ये हो गया विंटर, जिसमें मैंने डैप किया है थोड़ा स्नो पूरे ट्री में, और स्नोफॉल भी मैंने दिखाया है, तो विंटर का एक फील आ रहा है, और इसको मैंने किया ही ईयरबड्स से। और ये हो गया मेरा समर एंड मानसून का कॉम्बिनेशन, जिसमें फ्लावर भी है और लीव्स भी है ग्रीन, तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ये हो गया हमारा ऑटम सीजन, जिसमें पतझड़ जो हम बोलते हैं, जिसमें पत्ता झड़ते हैं, तो कम कम पत्ता रहता है और सब झड़ जाता है।
तो ये आ गया हमारा फाइनल लुक। तो आप बताइएगा कैसे लगा हमारा वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।